तो सीन्स कुछ ऐसा है कि मेरा हेलमेट आ चुका है और मेरा ये हेलमेट के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। राइट, सो हे गाइज, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अभी का टाइम हो चुका है 10:30। हाँ, बहुत लेट हो गया, लेकिन मैं अभी जस्ट सो के उठा था और मेरा आ चुका है हेलमेट। मतलब मैं उठाई इसलिए कि मेरा हेलमेट आ गया और मेरे को बोला गया कि मेरा हेलमेट आ गया। तो एक्चुअली ये हेलमेट गिफ्ट किया गया, मेरा बर्थडे पे गिफ्ट किया गया था, लेकिन मेरे पास आज बहुत दिन के बाद आया है। जिसने भी गिफ्ट किया था, अगर आप लोग को देखना हो तो जाके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पर देख लो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। और आपका भाई ने नया अकाउंट खोला है इंस्टाग्राम पर, तो प्लीज़ जाके फॉलो करो भाई को। तो मैं अभी जस्ट सो के उठा था, तो ये देखो मेरा बेड अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी जस्ट सो के उठा हूँ मैं, और अभी करते हैं अनबॉक्सिंग हेलमेट को, ठीक है? तो और एक चीज़, अभी जाके ब्रेकफास्ट करते हैं पहले, उसके बाद अनबॉक्सिंग करेंगे। मतलब भूख भी लग रहा है भाई, इतना देर हो गया उठने में तो ऑब्वियसली भूख लगेगा ना। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं पहले, उसके बाद अनबॉक्सिंग करते हैं। I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. But he runs away at midnight. I'm sorry. तो सीन्स कुछ ऐसा है कि ये हेलमेट मेरे को पड़ चुका है अराउंड 1600 का। हाँ, ये हेलमेट एक्चुअली एक बजट हेलमेट है। कोई भी मतलब एंटी फॉग हो या मतलब विंडशील्ड हो अच्छे से, डबल वाइज़र ऐसा कुछ है नहीं, बस सिंगल वाइज़र है ब्लैक। और ये मतलब एक बजट हेलमेट है, ये हेलमेट बहुत अच्छा है मेरे लिए। मतलब मैं तो बस ये 3 महीना बाइक चलाता हूँ, फिर से आके मैं चला ही जाता हूँ, इंडिया में रहता ही नहीं हूँ इतना। तो मैं क्या करूँ मतलब इतना दाम का हेलमेट लेके। मैं भी ले सकता था SMK या एग्जॉर, बस मैं नहीं लिया क्योंकि मेरा कुछ काम का नहीं होगा उसके बाद जाके। 3 महीना के लिए मैं एग्जॉर या SMK लेके मेरे को कुछ फ़ायदा है नहीं, तो इसीलिए मैंने यही लिया। और कोई भी अगर एक बजट हेलमेट मतलब चाहता है ना, कोई किसी को अगर एक बजट हेलमेट चाहिए, तो ये हेलमेट मैं सोचता हूँ कि ये हेलमेट बहुत अच्छा है। मतलब और स्टज का और एक है, मैं स्टज का थंडर है ये मेरा हेलमेट। और एक है स्प्लिंटर या ऐसा कुछ था, तो वो भी 2000 पर है। वो हेलमेट भी बहुत अच्छा, वो एंटी फॉग भी है प्लस डबल वाइजर भी है, और मतलब बहुत अच्छा है। 2000 में एंटी फॉग वाला हेलमेट भाई बहुत अच्छा चीज़ है। और वो स्टज का दिखने में भी अच्छा है, दिखने में भी बहुत कूल है, और मतलब बजट में पकड़ा जा सकता है उसको। 2000 तो बजट होता है हेलमेट का, उससे ज़्यादा तो थोड़ा हाई रेंज का, मैं सोचता हूँ कि वो हाई रेंज का हो जाता है, ठीक है? तो बात कुछ ऐसा ऐसा ही है। तो मेरा हेलमेट अभी यूज़ करूँगा मैं, यूज़ करके देखता हूँ कैसा लगता है। मैं मतलब अभी तक तो यूज़ किया नहीं, अभी आया ही आज, तो यूज़ करूँगा, यूज़ करके देखूँगा कैसा लग रहा है। अगर अच्छा होगा तो आप लोग को ज़रूर किसी वीडियो पे बताऊँगा, ठीक है? तो आज का वीडियो ऐसे ही खींच के लंबा नहीं करेंगे, कोई मोटो व्लॉगिंग तो नहीं है आज, बस हेलमेट का अनबॉक्सिंग करना था। तो आज का वीडियो बस इधर ही ख़त्म कर देते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।